हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट द थीफ स्टोरी। तो जैसा कि आपको स्टोरी के टाइटल से पता चल रहा है कि जो स्टोरी एक थीफ के बारे में है और इसमें जो थीफ है वो खुद अपनी स्टोरी को नरेट करता है, वो खुद अपनी स्टोरी बताता है। तो आज हम स्टोरी में ये देखने वाले हैं कि कैसे एक अच्छे इंसान की जो अच्छाई है वो बुरे इंसान को प्रोटेक्ट कर सकती है, उसे भी अच्छा इंसान बना सकती है। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर चैप्टर। I was still a thief when I met Anil and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. तो इसमें जो thief है वो बताता है कि जब वो अनिल से मिला तब वो सिर्फ 15 साल का था और उस टाइम उसका चोरी में हाथ एकदम साफ था। तो यहाँ पे experienced and fairly successful hand का मतलब कि वो छोटी मोटी चोरी अच्छे से कर सकता था। अनिल was watching a wrestling match when I approached him. He was about 25, a tall lean fellow and he looked easy going, kind and simple enough for my purpose. I had not had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. जो अनिल था वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब वो थीफ अनिल से बात करा, और जो अनिल था वो एक 25 साल का लंबा थोड़ा पतला इंसान था जो कि उस थीफ को अपने पर्पज़ के लिए चोरी के लिए एकदम ईजी गोइंग लग रहा था। तो जब थीफ था उसने उससे बात करी अनिल से, तो उसने उसको कॉन्फिडेंस जीत लिया और उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। तो यहाँ पे मच लक ऑफ लेट मतलब कि उसे जो दुर्भाग्य है उसका ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा। यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो जो वो थीफ था वो कहता है अनिल को कि तुम मुझे थोड़े पहलवान से लगते हो। तो जो थीफ था वो कहता है कि किसी को फ्रेंड बनाने के लिए, किसी को दोस्त बनाने के लिए थोड़ा मक्खन लगाना ज़रूरी है। तो वो अनिल को कहता है कि तुम मुझे कुछ रेसलर जैसे लगते हो, पहलवान, रेसलर मतलब पहलवान लगते हो। सो डू यू ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रादर थिन। तो जो अनिल है वो कहता है कि तुम भी लगते हो, तो इस टाइम वो थोड़ा निराश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही पतला था, जो थीफ था वो बहुत पतला था, तो वो पहलवान कहाँ से लगेगा। Well, I said modestly, I do wrestler a bit. तो जो वो थीव था वो बड़े ही विनम्र तरीके में कहता है, मतलब एकदम सॉफ्टली कहता है कि हाँ मैं थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूँ। What's your name? हरी सिंह, I took a new name every month that kept me ahead of police and my former employees. तो अनिल उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहता है हरी सिंह। तो इस समय वो क्या झूठ बोलता है और वो हर महीने एक नया नाम लेता है जो कि उसे पुलिस और उसके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ मतलब जिसको उन्होंने पहले लूटा है, तो उनसे उसको दूर रखते हैं, उनसे उसको बचाता है। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who are grunting, lifting and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. तो इस इंट्रोडक्शन के बाद जो अनिल है वो उस थीव से बातें करने लग जाता है, उन पहलवानों की जो कि एक तरफ एक दूसरे को देख के घुर्रा रहे थे, ग्रंटिंग मतलब घुरघुराना, लिफ्टिंग मतलब एक दूसरे को उठा रहे थे और फेंक रहे थे। तो जो वो थीव था उसको रेसलिंग के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, तो उसके पास ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं। तो जो थीव था उसके पास ज़्यादा कुछ कहने को था नहीं और थोड़ी देर बाद जो अनिल है वो वहाँ से चला जाता है और कैजुअली एकदम सिंपली जो थीव है वो भी उसको फॉलो करने लग जाता है। हेलो अगेन ही सेड, जो फिर अनिल है वो उसको दोबारा हेलो कहता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड बट आई कॉन्ट पे यू। तो जब अनिल उसको हेलो कहता है तो वो एकदम एकदम अट्रैक्टिव से स्माइल करता है अनिल की तरफ, अपीलिंग मतलब अट्रैक्टिव, और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। तो अनिल कहता है पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी पे नहीं करने वाला। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" वो थोड़ी देर इस बात पर सोचता है कि मैं इसके लिए काम करूँगा लेकिन ये मुझे पे नहीं करेगा। फिर वो सोचता है कि शायद मैंने इस इंसान को गलत समझ लिया। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? Can you cook? अनिल फिर उससे पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो? I can cook. I lied again. वो फिर से झूठ बोलता है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक दैन मे बी आई कैन फीड यू। तो अनिल कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी दैट आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्टारी डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो फिर जब उसने कहा कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, तो अनिल है उसको अपने घर ले जाता है, अपने रूम ले जाता है जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था, और कहता है कि तुम बालकनी में सो सकते हो। पर उस रात जो हरी सिंह ने खाना बनाया वो इतना भयानक था कि अनिल ने उसे
गली के कुत्ते को दे दिया और कहा कि अब तुम जा सकते हो। बट आई हैव जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। तो जो है हरी सिंह दोबारा एक अट्रैक्टिव से स्माइल देता है, लेकिन इस बार वो अनिल को हंसाने में कामयाब नहीं होता। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही डिड टीच मी टू कुक, ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू एड नंबर्स। आई वॉज ग्रेटफुल एंड न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वट आई कुड अचीव। थोड़ी देर बाद अनिल आता है और उसके सिर को थपथपाता है और कहता है कि माइंड मत करो, जाने दो। और वो कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा, वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना भी सिखाऊंगा, तुम्हें सेंटेंस लिखना भी सिखाऊंगा और नंबर्स ऐड करना भी सिखाऊंगा। ये सब सुन के जो हरी सिंह है उसे बहुत ही ग्रेटफुल फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। और वो सोचता है कि अगर मैं एक बार लिखना सीख गया तो जो मैं अचीव कर पाऊंगा उसकी कोई लिमिट ही नहीं होगी, मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। आई वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग दैन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाईज, यूजअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। हरी सिंह को अनिल के लिए काम करता हुआ अच्छा महसूस हो रहा था, उसे खुशी हो रही थी। मैं सुबह चाय बनाता और जो घर के सामान थे उनकी सप्लाई करता, इन सब के बीच जो थीफ था वो एक रुपए का प्रॉफिट बना लेता खुद के लिए। और ये बात शायद अनिल को पता भी थी लेकिन वो कभी इस पर माइंड नहीं करता था, वो इस पर ध्यान ही नहीं देता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 week, लैंड द नेक्स्ट वीक, ही कीप्ड वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउटसाइड एंड सेलिब्रेट। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। जो अनिल था, अब बात यह आती है कि वो पैसे कैसे कमाता था, तो वो एक हफ्ते उधार लेता और एक हफ्ते उधार देता, इस तरीके से वो पैसे कमाता था। और वो हमेशा अपने अगले चेक के लिए परेशान रहता था, चिंतित रहता था, और जैसे ही उसे चेक मिलता वो उसे जाकर सेलिब्रेट कर और बाहर खर्च करके आ जाता था। इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। और इसी के अलावा वो अपनी जो गुजारा था वो कैसे करता था, वो मैगजीन्स लिख के अपना गुजारा करता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। एक बार शाम को जो अनिल था वो एक नोट का बंडल लेकर घर आता है और कहता है कि आज मैंने अपनी जो बुक है वो पब्लिशर को बेच दी। तो मैंने देखा कि वो रात को जो नोट्स का बंडल था उसको अपनी जो मैट्रेस मतलब बिछोना है उसके नीचे दबा रहा था, छुपा रहा था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। तो जो थीफ है वो कहता है कि मुझे अनिल के यहाँ काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया है और शॉपिंग जो डेली सप्लाई की शॉपिंग थी उसके अलावा मैंने उसे किसी चीज़ में चीट भी नहीं किया है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। लेकिन अब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। और अनिल ने जो थी वो थीफ को एक चाबी भी दे रखी थी घर की कि जब वो चाहे तब आ सकता है, जब वो चाहे तब जा सकता है। तो थीफ कहता है कि अनिल सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड मतलब विश्वसनीय इंसान था जिससे कि वो आज तक अपनी ज़िंदगी में मिला। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। Sometimes he doesn't even notice he has been robbed and that takes all the pleasure out of the work. वो कहता है कि इसीलिए अनिल को लूटना, अनिल के यहाँ चोरी करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। एक लालची इंसान को लूटना बहुत आसान है क्योंकि वो इसे अफोर्ड करता है, लेकिन एक केयरलेस इंसान को लूटना कभी कभार वो ये नोटिस भी नहीं करता कि उसे लूट लिया गया है और ये सारे काम का मज़ा खिरखिरा कर देता है। Well, it's time I did some real work, I told myself. I am out of practice and if I don't take the money, he will only waste it on his friends. After all, he doesn't even pay me. तो मैंने अपने आप से कहा कि अब वो समय आ गया जब मुझे कुछ असली काम करना है, जब मुझे कुछ काम करना है। और लगभग 1 महीना
अनिल के यहाँ काम करते करते चोरी की प्रैक्टिस जो है वो भी उससे भी मैं बाहर हो चुका हूँ, तो अब मुझे ये पैसा लेना ही है, क्योंकि अगर मैंने ये पैसा नहीं लिया तो वो जाकर अपने फ्रेंड्स पर वेस्ट करेगा, इसे सेलिब्रेट करेगा और इसे खर्च करके आ जाएगा, और वैसे भी तो वो मुझे पे नहीं करता। अनिल वॉज एस्लिप, अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बैल्कनी एंड फेल ऑन द बेड। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, सो माइन वर मोस्टली स्कार्स। जो अनिल था वो सो रहा था और चांद की रोशनी जो थी वो बालकनी और बेड दोनों पर आ रही थी। मैं फर्श पर बैठ गया और सिचुएशन के लिए एक प्लान बनाने लगा, लूटने के लिए एक प्लान बनाने लगा। तभी मैंने सोचा कि मैं पैसे लेकर 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस से चला जाऊँगा। तो मैं उठा और बेड की तरफ गया। जो अनिल था वो बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से सो रहा था, उसके चेहरे पर कोई शिकंज नहीं थी, लेकिन मेरे चेहरे पर बहुत शिकंज थी। My hand slipped under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. मैंने अपना हाथ बिछोने के अंदर डाला और नोट्स को ढूंढ लिया। मैंने उन नोटों को लिया बिना किसी शोर के। अनिल जो था नींदों में ही मेरी तरफ मुड़ गया। इससे मैं बहुत ही डर गया और जल्दी से कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the strings of my pajamas. Slowed down to walk and counted the notes, 600 rupees and 50s. I could live like an old rich Arab for a week or two. तो मैं जल्दी से भागकर रोड पर आ गया और भागना शुरू कर दिया। जो नोट थे वो मेरे पजामे के अंदर थे। मैंने अपनी जो गति थी भागने की उसको थोड़ा कम किया और नोट्स को काउंट किया। ये 50-50 के 600 नोट्स थे। तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो अरब कंट्रीज है वो काफ़ी रिच होती है, तो वो कहता है कि इन नोट से मैं 1 से 2 हफ्ते तक अरब की तरह रह सकता हूँ, अरब रिच पर्सन्स की तरह रह सकता हूँ। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट होता है और हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में सेकेंड पार्ट के साथ। तो अगर आपको इस फर्स्ट पार्ट में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।